नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। छपरा में सब्जी मीट मछली अंडा व्यवसायियों ने जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि अभी जो जिलाधिकारी और प्रशासन की तरफ से निर्धारित समय दिया गया है उसमें कमाई नहीं हो पाती है, इसलिए हमारा समय बढ़ाया जाए। छपरा में सब्जी मीट मछली अंडा व्यवसायों ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। व्यवसायियों का कहना है कि जितना समय इनके लिए निर्धारित किया गया है उतने में इनकी कुछ भी कमाई नहीं हो पा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा मीट मछली अंडा व सब्जी विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन कुछ विक्रेताओं ने जिलाधिकारी दफ्तर में अपनी समस्याओं के साथ ही एक मांग पत्र भी दिया है। विक्रेताओं का कहना है कि वो लोग मीट मछली अंडा व सब्जी के व्यवसाय के साथ साथ खेती भी करते हैं और सुबह 6 से 10 का समय खेती में और खेतों में सब्जियां तोड़ने में ही चला जाता है। जिनकी अपनी खेती नहीं है वह मंडी से थोक विक्रेताओं से सब्जी खरीदकर खुदरे भाव में बेचते हैं, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि थोक विक्रेता ही मंडी में 9 बजे से या 10 बजे तक आते हैं, तो वो लोग 6 से 10 के समय में अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसीलिए जिलाधिकारी व प्रशासन से उनका अनुरोध है कि पहले जिस प्रकार उन्हें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया जाता था, वही समय उन्हें फिर से दिया जाए और जल्द से जल्द समय में सुधार कराया जाए ताकि सभी व्यवसायी सही तरीके से अपना व्यवसाय चला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। दिक्कत है हम लोग का कि हम लोग थोड़ा बहुत खेती करते हैं, तोड़ने फोड़ने में लेट हो जाता है। हम लोग का समय चाहिए 7 तक 3 बजे तक बेचे के। कौ बजे से कौ बजे तक? 6 बजे से एकदम 7 बजे तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रसाद। मोना चक्षा साहेबगंज के बीच में साग सब्जी बेचते हैं खुदरा। हम लोग को टाइम दिया है 6 बजे से 10 बजे तक, जिसमें हम लोग को नहीं हो पा रहा है। हम लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं मंडी में 6-7 बजे, तो 10-11 बजे सब्जी आता है होलसेलर में और उसको हम लोग खरीद के और खुदरा बेचने जाते हैं 10 बजे के बाद। पहले हम लोग 9 बजे तक बेचते थे, रात तक अपना बेच लेते थे। अब जब से महामारी चला है कोरोना का, तब से हम लोग को 6 बजे का टाइम दिया गया था, तो हम लोग 5:30 बजे 5:45 बजे अपना दुकान लेके चले जाते थे घर बेच बाट के। कच्चा सरने गलने वाला सब्जी है। अब अभी जो हम लोग को समय दिया गया है 6 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक, उसमें हम लोग को नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या कहाँ आए हैं? क्या अभी हम लोग यही मतलब लेकर आए हैं सर के पास, DM साहब के पास, कि हम लोग को समय का थोड़ा बदलाव किया जाए, जिससे हम लोग का कच्चा माल है हम लोग को बेचने में सुविधा हो। कब से कब समय रहा? वही जो पहले था 6 बजे तक हम लोग का समय कर दिया जाए, ताकि हम लोग बेच के अपना थोड़ा भरण पोषण कर सके, गरीब आदमी हम लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष गुप्ता। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।